आज बन रहा है माँ बेटी रसोड़ा में लाल मिर्च का स्पेशल अचार, वो भी पूरे साल भर तक चलने वाला। चलिए हमारे साथ किचन में। देखिए, हमने यहाँ 1 किलो फ्रेश फ्रेश लाल मिर्च ली हैं। इनको हमने अच्छी तरह से वॉश करके कपड़े से पोंछ कर 1 घंटे धूप दिखा दी है। अब हम इसका नाकू हटा करके साइड कर लेंगे। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से नाकू हट जाते हैं। ये देखिए, सारी मिर्चों को हमने नाकू हटा करके तैयार कर लिया है। अब हम इसका बना लेते हैं मसाला। मिर्च का मसाला बनाने के लिए गैस पे रखेंगे हम 1 कढ़ाई। उसमें हम डालेंगे मेथी। 3 टेबलस्पून हमने मेथी दाना लिया है। मेथी को हम यहाँ ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। 1 मिनट मेथी रोस्ट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून हरी सूप मोटी वाली। सौंफ मेथी हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। हमने इसको निकाल लिया है 1 प्लेट में। उसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून पीली सरसों। मेरे पास यहाँ काली सरसों है, इसलिए मैंने यहाँ काली सरसों ऐड की है। आपके पास पीली हो तो पीली ऐड करें। इसको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। 1 टेबलस्पून हम यहाँ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ऐड करेंगे। इसको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद हम उसी प्लेट में इन मसालों को भी निकाल लेंगे। रोस्ट किए गए मसाले को हमने ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको हम दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। देखिए, हमने गुरगुरा मसाला पीस करके तैयार कर लिया है। उसी ग्राइंडिंग जार में हमने डाली है 1 कप राई। इसको भी हम दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। पीसी हुई राई को भी हम हमारे मसाले में ऐड करेंगे। साथ ही में ऐड करेंगे 1 कप नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। ऐड करेंगे 1 टीस्पून हींग। हींग का फ्लेवर यहाँ बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही में ऐड करेंगे काली कलौंजी। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गैस पे रखेंगे कढ़ाई। उसमें हम डालेंगे 100 ग्राम या फिर 200 ग्राम सरसों का तेल, जिसको हम धुएंदार गरम करेंगे। देखिए, तेल हमारा धुएंदार गरम हो चुका है। अब गैस की फ्लेम हम कर देते हैं बंद। तेल को करेंगे हम ठंडा। मसाले में हम लास्ट में ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। हमने यहाँ 2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर लिया है। सारे मसालों को करेंगे अच्छे से मिक्स। ये मसाला बहुत ही तीखा और खट्टा बन करके तैयार है। इस मसाले को आप ऐसे ही एयर टाइट कंटेनर में भर के 6 से 7 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप कभी भी मिर्च का ताज़ा अचार बना करके तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम हमारी मिर्चों में चीरा लगा करके तैयार करेंगे। ये देखिए, पूरा चीरा अच्छी तरह से लगना चाहिए। ये देखिए, सभी मिर्चों को हम ऐसे चीरा लगा करके तैयार करेंगे। चीरा लगाने में सिर्फ हमें 5 मिनट लगेंगे। देखिए, हमारी सारी मिर्चों में हमने चीरा लगा लिया है। देखिए, हमारा प्रीमिक्स तो बन करके तैयार है मिर्च के मसाले का। अगर आपको अभी तुरंत मिर्च डाल करके तैयार करनी है तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारा तैयार किया हुआ तेल। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ भर के सरसों का तेल ऐड किया है और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो तेल हमने गर्म किया था उसी तेल को अच्छी तरह ठंडा करके हमने इसमें मिक्स किया है। चीरे हुए मिर्च को लेकर हम हमारा तैयार किया हुआ मसाला डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह फील करने के बाद हम हमारा तेल लेंगे। तेल में मिर्च को अच्छी तरह डीप करेंगे, डालेंगे हमारे बाउल में। इसी तरह हम हमारी सारी मिर्चों को अच्छी तरह फील करके तेल में डीप करेंगे बाउल में। देखिए, हमने हमारे सारे मिर्चों को भर करके तैयार कर लिया है। आप इन मिर्चों को पराठों के साथ, खाने के साथ कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप अपने अनुभव माँ बेटी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इन मिर्चों को आप साल भर चला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।